किसान को दी जा सकती है। किसान का बाल लेगा लाया का अभी जो बारिश हुई, मैं सोचता हूँ उस क्षेत्र में भारी भारी नुकसान हुआ। लेकिन आपसे सवाल करता हूँ, कैंसर के बाद कोई सरकारी अफसर, कोई बीमा कंपनी का प्रतिनिधि, कोई सत्ताधारी नेता क्या आपके घर खेत पहुंचा ये देखने को तुझे क्या भरपाई हो? आपने भी आशा छोड़ दी, आपको भी पता है। और असलियत तो ये है कि जो विधायक बन गए इतने सारे, ये जैसे खेत में छुट्टा घूम रहे हैं वो भी छुट्टे घूम रहे हैं, कोई काम धाम नहीं। पिछले चुनाव में तो आप ये देखा नहीं, पिछले चुनाव में तो ऐसा हुआ कि जो विधायक बन गए वो वोट में ही मांगी उन्होंने, वो सारे गांव में नहीं गए होंगे, पर लहर थी। और उसके मैं आज आपके बीच आया हूं कि आज आपने आशीर्वाद भी दिया, हमारा मनोबल भी बढ़ाया। लेकिन जिस मुकाम पे मैं आपको देखना चाहता हूं, जिस तरह की तरक्की हम चाहते हैं हमारे क्षेत्र की, हमारे लोगों की होनी चाहिए, जिसके लिए हमारे पूर्वज मर मिटे, अगर वो हमें हासिल करना है बड़ा लक्ष्य, ऐसा लगता है तो हमें एक होना पड़ेगा। स्वास्थ्य मैंने बात कही थी ना, आपको बताना चाहता हूँ, स्वास्थ्य से खर्चा नहीं होता था, ये तो हम भविष्य में निवेश कर रहे हैं। अगर सही समय पे हम उपचार करा देंगे, अगर सही समय पे हम उपचार करा देंगे तो बीमारियां नहीं बढ़ेंगी, समाज के कार्य क्षमता पे दुष्प्रभाव नहीं पड़ेंगे, अस्पताल पे बोझ नहीं पड़ेगा। ये तो आगे की बचत है, जो एक एक पाई हम आज खर्च करेंगे गांव तक, डॉक्टर और दवा पहुंचाने में ये काम 10, 20, 30 साल तक को निवेश आए। एक मैकेंजी जो अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी है, 200 देशों का सर्वेक्षण, और उस रिपोर्ट में प्रतिवेदन में कहा है 200 देशों का सर्वेक्षण करके उन्होंने पाया कि अगर उचित निवेश स्वास्थ्य की सुविधाओं
दर्द को बयान कर रहे थे जब वो कह रहे थे कि देश में आदिवासी, देश का दलित वर्ग हमारी सरकार बनी था और आज होता यह है कि कोई घोषणा पहले हो जाती है, काम होता नहीं। मेडिकल कॉलेज के 2 महीने बाकी है। सरकार की अनदेखी होती है, सरकार से भी संघर्ष ही करना पड़ता है।